हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज शाश्वत एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज है फ्राइडे और बज रहे हैं सुबह के, टाइम दिखाता हूँ मैं आपको। तो बज रहे हैं सुबह के 3:15। आई एम जस्ट किडिंग, सुबह के 3:15 ही बज रहे हैं। ये घड़ी ख़राब हो गई इसलिए इसमें 3:15 बज रहे हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और मैं कर रहा हूँ अपना व्लॉग शुरू। और कोशिश ये है आज के दिन से स्टार्ट करूँगा और आई गेस अप्रॉक्सीमेटली एक हफ्ते तक ट्राई करूँगा। कैन आई डू डेली व्लॉग्स? सो बस यही एक ट्राई है, यही एक ट्राई करना है मुझे अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करना है। तो मैंने कहा आज एक ब्लॉग शुरू करते हैं और इस सीरीज़ को शुरू करते हैं डेली ब्लॉग्स की, और आपको दिखाते हैं कि मैं पूरे दिन में क्या क्या करता हूँ। मेरे साथ रिक्शा है, वत्सल है, मम्मी है, हम सब लोग दिन भर क्या क्या करते हैं। पापा तो घर में रहते नहीं क्योंकि पापा जाते हैं ऑफिस, उनका काम घर से हो नहीं सकता, सो ही हैज़ टू गो टू ऑफिस एनी हाउ। और हम चारों लोग घर में बचते हैं जो कि अपना बातें करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, खाना खाते हैं और अपना ऑफिस का काम करते हैं। मम्मी अपने स्कूल का काम करती हैं और ट्यूशन्स लेती हैं। सो अभी क्या कर हो रहा है, अभी मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ अपने लैपटॉप के सामने, ऑफिस का लैपटॉप खोल के काम शुरू कर दिया है। और ऑफिस की सुबह 9:30 बजे मीटिंग थी, वो मीटिंग अटेंड करके अभी शुरू कर दिया है काम। तो अब काम करेंगे और आगे चलेंगे। अभी बन रहा है घर में ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट क्या बन रहा है वो चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो मम्मी अभी बोलती बस यहाँ से निकली हैं, उनके जो स्कूल की क्लास है, जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वो ख़त्म हो गई है, तो अभी वो भी बोलती बाहर आएंगी। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि हो क्या रहा है। यहाँ पे बन रहा है ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में क्या बन रहा है आज, ये देखो हमारे घर एक नया मेम्बर आया है। क्या बन रहा है हमारे घर ब्रेकफास्ट में, जो शक्ल नहीं दिखा रहा अपनी? भाई 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 क्या हुआ भाई, भाई मोड़ो तो सही। देखो भाई की शक्ल, भाई शक्ल नहीं दिखा रहा है। तो एक्चुअली ये दीक्षा है जिसने, जो शेफ बन के खड़ी है, और उसने सिर पे पहनी हुई है शावर कैप पहन के खाना बना लिया है, और बना कर ये पोहा बना लिया है। खुद से तो बोलेगी नहीं है, शक्ल दिखाएगी नहीं अपनी है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसकी शक्ल दिखाई जाए। और यहाँ पे बन रहा है पोहा, बन क्या रहा है, अभी बनने की शुरुआत हो रही है। तो ये कड़ी पत्ता रखा है और ये तेल डल रहा है, और ये दीक्षा है जो यहाँ पे आपको देख रही है क्लोजअप लुक में। पोहा देखते हैं, मतलब ट्रीटमेंट कौन सा ट्रीटमेंट किया है? लिसन, एलोवेरा ट्रीटमेंट व्हिच आई हैव डन फॉर माय सेल्फ, दैट्स टोटली फाइन। आई मीन, आई डोंट वांट माय हेयर टू स्पिल ऑल अराउंड द हाउस, तो मैंने सोचा शावर कैप लगा लेते हैं, और है भी रखी हुई है तो इसी बहाने यूज भी आ जाएगी। अच्छा, और कुछ नहीं। चलो ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ घर में चलता ही रहता है, ऑफिस के काम के साथ साथ थोड़ा बहुत हमारा अपना पर्सनल ग्रूमिंग चलती रहती है, और थोड़ी मतलब मस्ती मजाक चलता रहता है, वरना टाइम कैसे कटेगा, सारा दिन घर पे, बाहर जाना नहीं है। बाहर जाने से अभी थोड़ा डर रहे हैं अभी भी हम लोग, तो इसलिए डर है मन में अभी। तो ब्रेकफास्ट के साथ साथ हम लोग अपनी यहाँ मोस्ट फेवरेट चीज़ एंजॉय कर रहे हैं, और वो ये कि हम यहाँ पे यूट्यूब ब्लॉग्स देखते हैं अपने फेवरेट यूट्यूबर्स के, और उसमें से एक है मुंबई कर निखिल, तो जिसका अभी ब्लॉग चल रहा है यहाँ पे, जो कि अभी पिछले कुछ दिनों से थोड़ा बोर करने लग गया है हम लोगों को, लेकिन अभी फिर भी हम लोग देखते हैं क्योंकि उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है घर में बैठ के ब्लॉग बनाना है, और हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है घर में बैठ के ही एंजॉय करना है, तो वो ब्लॉग बनाते हैं और हम ब्लॉग देखते हैं। और ऐसे ही मैं कर रहा हूँ, मैं भी घर में बैठ के ब्लॉग बना रहा हूँ, शायद आप लोग बोर हो रहे हो, लेकिन मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। तो अभी शेफ ने हमें ब्रेकफास्ट कराया, और अब फिर से शेफ कुछ और बनाने में लग गया है। तो क्या बनाया जा रहा है? जो मेरे को समझ में आ रहा है वो, उसमें अभी थोड़ा सा दही डाला गया और बेसन डाला गया, और अब नींबू डाला जा रहा है। तो दीक्षा बताओ क्या बनाया जा रहा है? तुम्हारी ग्लोइंग स्किन के लिए बनाया जा रहा है, तुम्हारी और तुम्हारी ग्लोइंग स्किन के लिए, ताकि इसकी हम दोनों ग्लोइंग स्किन का राज ये है। बेसन का क्या बोलते हैं, वो तो नेचुरल है, बट इट जस्ट दैट कि हां ये अच्छा रहता है, और टैनिंग भी रिमूव हो जाती है, तो समझ में एवरीबॉडी शुड डू। एक तो ये बात आज तक समझ नहीं आई, लड़कियों की अगर स्किन अच्छी है तो वो नेचुरल है, उस पर कुछ काम नहीं किया गया, लेकिन लड़कों की अगर स्किन अच्छी है तो उस पर काम किया गया, वो नेचुरल नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आपकी बात कहने का मतलब तो यही था, मेरे को ऐसी लगा। नहीं, सबको पता है, I mean, I've got the skin from my mother. ओहो, ये पता है, मतलब ये मम्मी की देन है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि मेरे को कुछ ऐसा स्पेशल मिला है, मेरी वजह से नहीं, बिकॉज ऑफ माय मदर। तो अभी हम मतलब कितनी देर में तैयार हो जाएगा, और अब क्या एप्लीकेशन क्या होगी इसकी? बस कुछ नहीं, जस्ट अप्लाई टू योर फेस एंड यू शुड कीप इट फॉर। अच्छा, अप्लाई टू माय फेस। अच्छा 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 अच्छा, तो ये मेरे लिए भी बन रहा है, ये मेरे फेस पे भी लगाया जाएगा। तो अभी लगता है पहले ही ज्यादा ना बिकते मत ले करो तुम।
अरे इसमें विक्टिम प्ले करने वाली बात क्या है, ठीक है अच्छी बात है यार मेरी भी, मैं तो वैसे ही जल्दी टैन हो जाता हूँ, बहुत जल्दी टैन हो जाता हूँ, तब भी मेरे को ध्यान रखना पड़ता है, मैं करती हूँ ना तुम्हारे फेस का। हाँ ये तो भाई मानना पड़ेगा, दीक्षा मेरा ध्यान बहुत ज़्यादा रखती है खाने के मामले में और बाहर घूमने के मामले में और मेरे स्किन केयर के मामले में। And whatever you want to buy, I also try and, you know, healthy. हाँ हाँ हाँ, लेकिन जब भी मैं कुछ खरीदता हूँ ना तो गुस्सा भी सबसे पहले यही होती है कि तुम बहुत ज़्यादा मोटे मोटे खर्चा करने के आते हैं। जब ये मैंने कैमरा खरीदा था तो दीक्षा बहुत ज़्यादा एटलीस्ट एक दिन के लिए गुस्सा हो गई थी, और जब मैंने अभी फ़ोन खरीदा था तब भी दीक्षा एक दिन के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, क्योंकि मुझे पता है ना एक दिन के बाद मैं ये नॉर्मल हो जाती है। तो आज बड़े दिनों बाद मैंने ट्राईपॉड लगा के ब्लॉग करने की कोशिश करी है, बहुत दिनों से मैं सिर्फ कैमरा ऐसे ही हाथ में पकड़ के ब्लॉग करता था, आज ट्राईपॉड लिया क्योंकि यार थोड़ा वाइड एंगल मेरे को लेना था और ये वाला शॉट तो वाइड एंगल लेना था और यहाँ पे ये कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है और बड़ा ही ठंडा यार। तो ऐसा कुछ दिख रहा है मेरा चेहरा यहाँ पे, और लेकिन अभी इसके ऊपर एक और वाइट वॉश की परत लगाई जाएगी और उसके बाद थोड़ी देर वेट करके मैं ये फेस वॉश करूँगा और नहा ही लूँगा यार, अब इतना सब काम हो गया है तो सुबह थोड़ा नहा भी लेते हैं, जल्दी जल्दी तो नहीं है लेकिन मेरे हिसाब से जल्दी है क्योंकि मैं रोज़ अराउंड दोपहर में ही नहाता हूँ, लंच से जस्ट लंच से पहले नहाता हूँ मैं रोज़, तो आज थोड़ा जल्दी नहा लेंगे मैडम की वजह से। तो अगर आपके घर में कोई ना कोई ऐसा हो जो आपके लिए आपकी स्किन केयर के लिए कुछ ना कुछ बना सकता हो और आपकी स्किन की अच्छा ध्यान रख सकता हो तो बाहर जाके सैलून पे जाके पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल में पैसे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, काम अच्छा होता है लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, लेकिन घर में क्या होता है कि ठीक ठाक तरह से काम हो जाता है और उससे भी स्किन में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। तो नहा धो के घर वाली ड्रेस में आ गया हूँ मैं फिर से, इन्हीं कपड़ों में रहता हूँ यार, ये मेरे को कंफर्टेबल लगते हैं बहुत ज़्यादा, तो अब थोड़ा राजा बेटा बन गया हूँ नहा धो के मैं, और फेस थोड़ा सा मतलब मेरे को ठीक लगने लग गया, मेरे को थोड़ा ग्लोई लगने लग गया है, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार शीशे में, सो थोड़ा सा ठीक लग रहा है यार, मतलब स्किन स्मूथ हो गई है और कॉम्प्लेक्शन में तो ऑब्वियसली फ़र्क नहीं आएगा यार, एंड आई लव दिस कॉम्प्लेक्शन ऑल्सो। और चलते हैं बैठते हैं, लाइटें बंद करते हैं यहाँ की, चलते हैं बैठते हैं थोड़ा सा ऑफिस से काम करते हैं। यहाँ पे वत्सल और दीक्षा तो बैठे हुए हैं काम कर ही रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा लैपटॉप चलाऊं, मतलब चल ही रहा है लैपटॉप, मैं काम कर ही रहा हूं लेकिन शूट अप कर रहा हूं, तो यहां रखा है मेरा लैपटॉप और थोड़ा सा काम कर लेते हैं अब। ये जो लड़की है ना ये ऑफिस के कामों के बीच में से भी टाइम निकाल के देखो क्या कर रही है ये इस टाइम पे, मतलब पता नहीं कैसे इतना एफिशिएंट वर्कर है ये, ऑफिस से काम भी कर लेती है तो बस जल्दी से और और, और ये देखो ये पंखा बंद है। सो मुझे और ये वत्सल को, हम दोनों को यहाँ पे पसीने में लतपत 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 होना पड़ रहा है और और इस बंदी को नेल पॉलिश लगानी है बस, चाहे सामने वाले बंदे को पसीना आ जाए, यहाँ कूलर है यहाँ पंखा है सब बंद है। एक डिफरेंस ये होता है घर से काम करने का, लड़का जो होता है ना, मेरे तो कपड़े आप देख ही रहे हो घर में कैसे रहते हैं लड़के, और इसके कपड़े देख रहे हो आप, ये फुल तैयार होकर बैठी है और नेल पॉलिश कर रही है और ये बिंदी बिंदी लगा के बाल बाल फुल सेट है एकदम तैयार होके, और इसको देख लो ये भी मेरी तरह एकदम गरीब बच्चा लग रहा है, गरीब घर का लग रहा है, देखो इसकी टी शर्ट कैसी पुरानी सी है, निक्कर में बैठा हुआ है, लैपटॉप लेके बाल छोटे हैं, और यही कुछ मेरे साथ हो रहा है, अभी निक्कर में बैठा हूँ और इस वेस्ट में बैठा हूँ। हाय गाइस, तो अभी हम सब काम कर रहे थे तीनों और एकदम से इतना ज़्यादा विंडी और इतना बढ़िया मौसम हो चुका है, सो हम तीनों ने बस हम तीनों पहले गेट बंद करके बैठे थे अपने ड्राइंग रूम में और अपने रूम्स में और कूलर चला रखा था, फिर सडनली जैसे ही इतना बढ़िया मौसम हुआ हमने सब खोल दिया, चाहे मिट्टी आए घर में कुछ भी हो जाए पर हमने सब खोल दिया, एंड अभी हम सब मज़े ले रहे हैं हवा के। आपको मैं थोड़ी सी झलक दिखाती हूँ, देखिए तो जैसे कि आप सबने देखा अभी वेदर इतना ज़्यादा प्लेजेंट हो रहा है, ये देखिए इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, सब कुछ इतना बढ़िया लग रहा है, एंड वी लविंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, आप भी एंजॉय करिए अपने घर पे। जितनी देर में मैं ये चेक कर रहा था अपने कैमरा में कि दीक्षा ने क्या व्लॉग किया है, इतनी देर में बाहर जो मौसम हो गया ना एकदम बदल गया है, फेर बदल हो गया मौसम का एकदम, वो मैं दिखा देता हूँ हुआ क्या है। ये हुआ है मौसम का,
गजब की बारिश हो रही है इस टाइम पे, फुल पानी अभी तो भरा नहीं है यहाँ पे, लास्ट टाइम भरा, लेकिन फुल बारिश हो रही है यहाँ पे, एकदम बढ़िया बारिश हो रही है और एकदम मज़ेदार मौसम हो गया है। और दीक्षा ने अच्छा ब्लॉग किया था यार भाई, कैमरा देख लो, अब तो तुम कैमरा फ्रेंडली हो गई हो। दीक्षा ने अच्छा ब्लॉग किया था, मैंने कोई अच्छा अच्छा नहीं किया था, तो बस ऐसे ही किया था, तुमने कहा था। हाँ भाई, तो कैसा लगा टाइम लैप्स? आई होप अच्छा ही लगा होगा। मैंने भी फर्स्ट टाइम ऐसा टाइम लैप शूट किया है, सनसेट का टाइम लैप शूट किया है, और इनफैक्ट मैं कितनी जगह घूम के आया, मैंने वहाँ पे कभी शूट नहीं कर पाया, कभी मौका नहीं मिला, आज अपने घर पे रहते हुए शूट किया, लेकिन बढ़िया शूट हुआ, अच्छा शूट हुआ, मुझे भी देख के अच्छा लगा। तो अब आई गेस काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई हैं और अंधेरा भी होने वाला है, तो और अभी मैं घर के काफ़ी सारे और भी काम है, बाहर जाना घर में ही काम है। सो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं कल के ब्लॉग में, कल मिलते हैं और कल ये ब्लॉग आपको लाइव दिख जाएगा और कल का ब्लॉग परसों दिखेगा। कोशिश रहेगी पूरे हफ्ते रेगुलर व्लॉग्स बनाने की और आप लोगों से अपनी दिनचर्या शेयर करने की, तो दीक्षा भी मेरे साथ बनी रहेगी इन सब चीज़ों के लिए और वत्सल जो यहाँ बैठा है वो भी बना रहेगा। हाँ, तो ये जो लाइन है ना लास्ट वाली, ये वत्सल से बुलवाते हैं और उसके बाद वीडियो एंड करते हैं। एम करते हैं 50,000 लाइक्स का इस व्लॉग पे और कितने 2,000 मोर सब्सक्राइबर्स, यानी कि 3,000। चलो आई होप कि आप लोग ऐसा करेंगे और आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा और आगे आने वाले ब्लॉग्स भी अच्छे लगेंगे। तो अब मैं, वत्सल और दीक्षा, हम तीनों आप लोगों से मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। सो टिल देन, ईट वेल, स्लीप वेल एंड राइड सेफ और ड्राइव सेफ। अभी मत करना, थोड़ा बहुत कर सकते हो लेकिन ज़्यादा मत करना, और स्टे होम एंड स्टे सेफ फ्रॉम कोरोना एंड बाय बाय, टेक केयर।